फ्रेंच फ्राइज़ खाना हर किसी को बहुत पसंद है और आज मैं बना रही हूँ आपके साथ एकदम सिंपल क्विक क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। और फटाफट ये बन भी जाते हैं, बस जब आपका मन करे आप इसे बना के खा सकते हैं और सच में इतने टेस्टी बनते हैं ना। तो बनाना शुरू करते हैं। स्वागत है आपका जेके किचन में। आज हम बना रहे हैं जी फ्रेंच फ्राइज़। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हुए छील के, इनको मैंने पानी में रखा था। तो ऐसे क्या होता है, आलू जो होते हैं एकदम ब्लैक हो जाते हैं, तो मैंने इसे पानी में रखा था। तो सबसे पहले हम इसे ग्रेट कर लेते हैं, और मैं इसे कोई कट नहीं कर रही हूँ, देखिए मैं इसे ग्रेट करूँगी। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में बना रहे हैं। तो पहले हम सारे आलू ग्रेट करके रख लेते हैं। और आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं सारे, और देखिए कैसे अच्छे से लच्छे भी इसके आ गए हैं। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी कॉर्नफ्लावर को, और मैं इसमें 3-4 चम्मच ऐड करूँगी क्योंकि बाइंडिंग अच्छे से आ जाती है और एकदम से अलग अलग हमें इसे खिले खिले चाहिए। तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कॉर्नफ्लावर को। और ये मैंने 1 चम्मच इसमें और ऐड कर दिया कॉर्न स्टार्च का। तो बस अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, थोड़ा हम इसे ऐसे टॉस कर लेंगे और या फिर थोड़े हाथों की हेल्प से हम इसे मिक्स कर लेंगे। और हमें एकदम अलग अलग लच्छे खिले खिले लच्छे चाहिए इसमें। तो हो गया हमारा ये रेडी। ये देखिए मैं थोड़ा सा हाथों से भी टॉस कर रही हूँ इसे ऐसे। तो बस हम इसे खोल लेते हैं अच्छे से। और आलू हमारे देखें एकदम अलग अलग हो चुके हैं, बस हम इसे फ्राई कर लेते हैं। और हमें इसे लो टू मीडियम पे ही फ्राई करना है, और एक साथ हम सारे नहीं ऐड करेंगे, थोड़े थोड़े करके हम पहले इसे फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। और ये हमने डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, फोक लेंगे और फोक की हेल्प से हम इसे अलग अलग कर लेंगे। उससे क्या होता है कि एकदम से अलग अलग हो जाते हैं। और ये देखिए मैं ऐसे फोक की हेल्प से इसे अलग अलग कर रही हूँ, और आप भी इसे ऐसे ही अलग अलग कर ले। और ये देखिए जी हमारे फ्राइज़ अच्छे से हो चुके हैं, और ये देखिए कितने खिले खिले, देखने से ही पता चल रहा है कि कितने अच्छे से इसमें कलर भी आ चुका है और एकदम अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं। और ये हमारे सारे फ्राइज़ हो चुके हैं। अब हम इसे बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं क्योंकि हम इसमें अभी मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ जी ड्राई मिंट को, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके साथ मैं डाल रही हूँ जी काला नमक, और उसके साथ में डाल रही हूँ जी लाल मिर्च को, और लाल मिर्च के बाद में डाल रही हूँ जिसमें थोड़ा सा चाट मसाला, और ये गया जी चाट मसाला भी इसमें। और लास्ट में हम इसमें डाल रहे हैं जी रेगुलर नमक को, और ये थोड़ा सा हम ऐड करेंगे क्योंकि चाट मसाला में वैसे भी नमक होता है, और रेगुलर नमक आप दे के ही ऐड करें। तो अब कर लेते हैं हम इसे अच्छे से टॉस, और ये हमारे पोटैटो फ्रेंच फ्राइज एकदम से रेडी हो गए खाने के लिए। और आप भी इसे बनाएं, खाएं और एंजॉय करें, और सच में इतने टेस्टी क्रंची क्रिस्पी बनके ये रेडी हो जाते हैं। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मिलती हूँ मैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट करके बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।